हेलो स्टूडेंट। ओके, सो किचन के साथ साथ हम लोग किचन कैबिनेट के थोड़े से रेफरेंसेस देख लेते हैं कि किचन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये ट्रॉलीज ऐसे हम लोग लेके आते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे उसका फ्रेम बनता है, फ्रेम के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रॉली बकेट लगाते हैं। ठीक है, ये ट्रॉली जो है अभी के लिए यहाँ पे आपको जो दिख रही है वो SS 304 की है। यहाँ पे आपको दिख रहा है किचन कैबिनेट के ऐसे बॉक्सेस बनाए जाते हैं। ठीक है, किचन कैबिनेट के ऐसे बॉक्सेस बनाए जाते हैं। ये ओवरहेड बॉक्स के लिए है, ये ओवरहेड यूनिट के लिए है। ये ऐसे ही बना के डायरेक्टली लेके आते हैं एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है उसका। ओके, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बना के लाए हुए है एंड देन यहाँ पे उसको इंस्टॉलेट किया हुआ है। ठीक है, ये ओवरहेड यूनिट है और ये सील लेवल से ऊपर 7 फीट के ऊपर है। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे इंस्टॉलेशन होता है। ओके, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट प्लाईवुड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, जो ट्रॉली मैंने आगे आपको दिखाई थी उसके ऊपर डायरेक्टली ये प्लाई के शटर्स लगते हैं, तो यहाँ पे भी आपको प्लाई का शीट कितना लगेगा वो आपको एस्टिमेट लगाना है। ओके, हैंडल्स एज पर योर चॉइस। ये अभी के लिए यहाँ पे जो एल्यूमिनियम के स्ट्रिप हैंडल्स लिए हैं ग्रूव वाले, वो आप हार्डवेयर की शॉप से पता कर सकते हो कि कितने बाय कितने प्राइस पे मिलेंगे वो हमको। ठीक है, ये बॉटम ट्रॉली है किचन ओटा के। यहाँ पे ओवरहेड शटर्स विद ग्लास, तो ग्लास का आपको प्राइस लगेगा एज वेल एज सील लेवल से ऊपर वाला, सॉरी लिंटल लेवल से ऊपर वाला पोर्शन। ओके, यहाँ पे भी सेम एज। थैंक यू।